Assalamu alaikum. I am Dr. Sarvadnas. Welcome to my channel. Today I am going to share with you my second video on career, MDCAT and ECAT counseling part 2 with you. In last video, I have shared with you about career counseling for pre-medical student, and now I am going to share with you about MDCAT counseling. Now let's discuss the type of test conducted for MBBS and BDS. दो type के test conduct होते हैं MBBS और BDS degree के लिए. पहली type कहलाती है PMC MDCAT और second type है NUMS. First I will provide you all the information related to MDCAT. There might be many questions in your mind which are confusing you. Do not worry, I am going to answer all of those questions. पहला सवाल जो आपके माइंड में हो सकता है वो ये है कि NMDCAT या MDCAT किस चीज का एब्रिवेशन है. NMDCAT stands for National Medical and Dental College Admission Test. ये टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जो कि MBBS और BDS डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे हर साल. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये MDCAT 2022 कौन कंडक्ट कराएगा. MDCAT 2022 PMC यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन कंडक्ट कराएगा. MDCAT 2022 की रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगी. MDCAT 2022 की रजिस्ट्रेशन 25 मई से 5 जुलाई 2022 तक रहेगी, जबकि लेट रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई 2022 से 15 जुलाई 2022 तक रहेगी. पाकिस्तान में MDCAT टेस्ट 7 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक कंडक्ट होगा, जबकि इंटरनेशनली ये टेस्ट 1 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट होगा और कोविड-19 पॉजिटिव कैंडिडेट्स का टेस्ट 6 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट होगा. दूसरा अहम सवाल ये है कि MDCAT की वैलिडिटी क्या है. अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ PMC, MDCAT की वैलिडिटी 2 साल तक होती है. ऐसे स्टूडेंट जो MDCAT 2021 में अप्लाई कर चुके हैं और वो 2022 में भी MDCAT 2021 के रिजल्ट की बेस पर अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. MDCAT जो के PMC कंडक्ट कराता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. इस सवाल के जवाब देने से पहले मैं आपको ये बात बताती चलूं कि आप रोज PMC की वेबसाइट चेक करते रहिए ताकि आपको ये पता चले कि लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ क्या है. तो फिलहाल लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ जो कि PMC ने अनाउंस किए उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके एटलीस्ट 70% मार्क्स ए लेवल या FSC प्री मेडिकल में होने चाहिए. इसके अलावा आपको लाजमी MDCAT क्लियर करना होगा और आपके पास डोमोसाइल आपके प्रोविंस का होना चाहिए. अब सवाल ये पैदा होता है कि पासिंग क्राइटेरिया MDCAT 2022 का क्या होगा. सो अकॉर्डिंग टू रिसेंट कॉन्फ्रेंस जो कि PMC ने कंडक्ट कराई, उसके अकॉर्डिंग पासिंग क्राइटेरिया MDCAT 2022 का वही होगा जो कि 2021 में हुआ था, यानी 65% मार्क्स से आपको MDCAT क्लियर करना होगा. MDCAT में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट की क्या एज लिमिट होती है. अकॉर्डिंग टू PMC स्टूडेंट की मिनिमम एज लिमिटेशन 16 है और मैक्सिमम कोई एज लिमिट मेंशन नहीं की गई है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट बीमार हो जाए अपनी एमडी कैट की अलॉटेड डेट पर, तो क्या उसे न्यू डेट मिलेगी? स्टूडेंट को चाहिए वो पीएमसी को रिक्वेस्ट करे तो उसे नई डेट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर स्टूडेंट फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसे क्या करना चाहिए? स्टूडेंट को पाक नेशनल स्कॉलरशिप फंड के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर ये फंड एक्सेप्ट हो जाता है तो पीएमसी उसकी फीस पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमसी एमडी कैट के टेस्ट की रिजल्ट कब अनाउंस करता है? जैसी एमडी कैट एंड होता है तो पीएमसी रिजल्ट की डेट अनाउंस कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जहन में यह आ सकता है कि रीचेकिंग का ऑप्शन स्टूडेंट को मिलता है क्या? तो स्टूडेंट के पास कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। रजिस्ट्रेशन गाइडलाइन। एमडी कैट में अपीयर होने के लिए स्टूडेंट को अपनी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करानी होती है। इस पर्पस के लिए उसे अपना सेल नंबर और ईमेल एड्रेस लाजमी देना होता है, क्योंकि इसमें पीएमसी अपनी अनाउंसमेंट से स्टूडेंट को अपडेट करते रहते हैं। स्टूडेंट को अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैंने यहाँ पर क्लियरली स्टेप वाइज मेंशन कर दिए हैं। Now let's see the names of the medical and dental colleges which are present in Karachi. There are 5 government medical colleges which are present in Karachi. In this list you can see the name of the colleges and the name of the universities with which these colleges are registered, and in the last column the number of seats are mentioned. In this list, the Dow International Medical College, which is mentioned in Government College, but यहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है as compared to other colleges. उसका reason यही है कि ये college overseas students के लिए यानी foreigners के लिए है, जबकि दूसरे medical colleges की फीस इसके मुकाबले बहुत ही कम है। कराची में 13 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। यहाँ पे इन 13 मेडिकल कॉलेजेस के नाम मेंशन है, उसके साथ उसकी यूनिवर्सिटीज और सीट्स की क्वांटिटी भी मेंशन की हुई है। लेट्स सी द फी स्ट्रक्चर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। पहले हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस का फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हर साल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस तकरीबन 50,000 से 1,00,000 तक हो सकती है, जबकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस हर साल कराची में 6.5 लाख से 11 लाख तक हो सकती है। दे आर 5 गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस विच आर प्रेजेंट इन कराची। इस लिस्ट में आप 5 डेंटल कॉलेजेस के नाम देख सकते हैं, और थर्ड कॉलम में नेम ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं जिनसे ये कॉलेजेस रजिस्टर्ड हैं, एंड इन द लास्ट कॉलम यू कैन सी द नंबर ऑफ द सीट्स विच आर प्रेजेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि डेंटल कॉलेज, डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, ये कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेज। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो ओवरसीज या फॉरनर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है? तो अगर आप यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि इसकी फीस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस, राइट? कराची में 9 प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस प्रेजेंट हैं, जिसके नेम इस लिस्ट में मेंशन किए गए हैं, और उसके साथ ही उसकी यूनिवर्सिटी और सीट्स की क्वांटिटी भी मेंशन की हुई है। फी स्ट्रक्चर ऑफ डेंटल कॉलेजेस। फर्स्ट लेट्स सी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस फीस। एनुअल ट्यूशन फी
गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस में 20,000 से 40,000 हर साल हो सकती है, और एडमिशन फी 2,000 से 5,000 तक होती है। अब देखते हैं प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की फी स्ट्रक्चर। हर साल ट्यूशन फी प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस की 9,50,000 तक होती है, जबकि एडमिशन फी 50,000 होती है। थैंक यू। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।